मैं सत्तन और आप देख रहे हैं खबर हिंदी। आइए रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के खुर्शीदबाग में रहने वाले हिंदू समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की शुक्रवार दोपहर घर पर आए दो बदमाशों ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मिठाई के डब्बे में ये बदमाश चाकू और तमंचा लेकर आए थे। शरीर में चाकू के लगभग 15 से भी अधिक वार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला, मैं उनको बधाई देता हूं। पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF से पाकिस्तान को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है और 27 बिंदुओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2020 तक का समय भी दिया गया है। यदि वह दी गई समय अवधि तक आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो FATF उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा और उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। नए कोच मिसबा उल हक के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरफराज अहमद से कप्तानी छीनकर अजहर अली और बाबर आजम को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अजहर अली जहां टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए हैं तो बाबर आजम T20 की कमान संभालेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने दिल्ली की अदालत में INX मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में सुनवाई 21 अक्टूबर यानी कि सोमवार को होगी। CBI की चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी को उनके साथ ही अन्य 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया है। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे लगभग 325 यात्रियों को मेक्सिको सरकार ने वापस स्वदेश भेज दिया है। इस कोशिश में कई लोगों के लाखों रुपए भी डूब गए हैं। शुक्रवार की सुबह बोइंग 747-400 चार्टर विमान इन यात्रियों को लेकर दिल्ली के IEGI एयरपोर्ट पहुंचा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को बेचेंद्र मोदी कहा है। अपने ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक कार्टून भी अटैच किया है। सीरिया से अमेरिका फौज की वापसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 अक्टूबर को तुर्की के राष्ट्रपति को जो सरकारी चिट्ठी भेजी उसमें लिखा कि ज़्यादा सख्त मत बनिए, बेवकूफ़ी मत करिए। ट्रंप ने यह चिट्ठी तुर्की को ये अनुरोध करने के लिए लिखी थी कि वो उत्तरी सीरिया में कुर्दों की अगुवाई वाली सेना के खिलाफ सैन्य कार्यवाही ना करें। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मामला साल 2015 में मनीष घई नामक एक बिल्डर के घर में जबरन घुसने से संबंधित है। इसे लेकर कोर्ट ने बीते शुक्रवार को गोयल को दोषी ठहराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर और हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 पर।